वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित तमाम बैंकों के कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। लगभग सभी बैंकों के कर्मचारी गुरुवार को बैंक रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया में एकत्र हुए, जहां उन्होंने एक सभा में शामिल होने के बाद जुलूस के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन निकाला। यह जुलूस बैंक रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकलकर एडी तिराहा, टाउन हॉल, कलेक्ट्रेट चौराहा, इंदिरा बाल विहार, गणेश चौराहा, विजय चौराहा होते हुए वापस बैंक के परिसर में जाकर समाप्त हो गया। जुलूस के दौरान बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजियां भी की। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने बैंक रोड स्थित एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक को भी जबरन बंद करवाया। बैंक बंद करवाए जाने के दौरान प्रदर्शनकारियों और बैंक कर्मचारियों के बीच हल्की झड़प भी हुई। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने वेतन वृद्धि के नाम पर मात्र 2% की बढ़ोतरी की है, जो उन्हें मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि सरकार जब तक 16% वेतन वृद्धि नहीं करती, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के अध्यक्ष के तिवारी ने कहा, वेतन समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो, वेतन समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो, 2% पे शर्म करो, 2% नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, 2% अभी जेब में रखो, जेब में रखो, जेब में रखो, 2% जेब में रखो, जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, हाय 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 हाय, 500 हमें है, 2 दिन की हड़ताल है, आज भी हड़ताल रहेगी। हमारी डिमांड है, जो बैंकर कहते हैं कि 2% देंगे, वो हमें मान्य नहीं है। हमारी डिमांड है कि हमें 15-16% पर अगर कोई बात बनती है तो हम उस पर राजी होंगे, वरना हम लोग फिर आगे का कदम अपना उठाएंगे।
ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। आंदोलन निश्चित आंदोलन तो हमेशा चला क्योंकि बाइपार्टाइट तो हमेशा आंदोलन से ही तय हुई है। आप लोग के आंदोलन से कहीं ना कहीं उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से जब कोई काम ऐसा किया जाएगा तो कुछ लोगों को परेशानी होगी, लेकिन 10 लाख लोग सड़क पर हैं उनकी भी परेशानी होगी ना, उनकी परेशानी है। 10 लाख लोग सड़क पर हैं उनकी भी परेशानी है, जनता को उनकी परेशानी सुन देखना चाहिए। भी कोई ऐसा कार्यक्रम होगा चाहे राजनीतिक हो चाहे ट्रेड यूनियन का हो, जब भी कोई बात होगा तो दिक्कत तो उपभोक्ता को ही होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो उनके साथ हमारा हम तो रोज़ ही सर्विस देते हैं, 2 दिन सर्विस नहीं देंगे तो उससे कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है, उनको हम लोग को सहयोग करना।